नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, डूंगर पीजी कॉलेज बीकानेर। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जेनेटिक कोड के बारे में आपको बताऊंगा कि जेनेटिक कोड क्या है और किस तरह से एक प्रोटीन के निर्माण में अमीनो एसिड्स का क्या रोल होता है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो जॉर्ज गैमोव ने सबसे पहले तीन लेटर का या तीन अक्षरों का एक कोड एम्प्लॉय किया था 20 अमीनो एसिड्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन को एनकोड करते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला कोडन जो शब्द है वो सबसे पहले इस्तेमाल किया था मार्शल नीरनबर्ग और हेनरिच मेथाई ने 1961 में। इस स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि मार्शल नीरनबर्ग, जिन्होंने 1961 में जेनेटिक कोड या कूट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने किया था, और इन्होंने कल्चर मीडियम के अंदर अमीनो एसिड को उत्तेजित करने के लिए माध्यम में पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया सेल के बाहर, और उन्होंने एक संश्लेषित एमआरएनए जो कि केवल एक ही बेस यूरेसिल के अणु का बना हुआ था, इसे पॉली यू का। और ये फोटो जो है ये हरगोविंद खुराना जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनकी है, जिन्होंने सबसे पहले संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण किया प्रयोगशाला के अंदर, और ये हैं रॉबर्ट हॉले जिन्होंने टीआरएनए की खोज की थी। अब सबसे पहले ये है कि जीन क्या है। इसके जेनेटिक कोड को हम पढ़ें उससे पहले हमें जीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि जीन एक्चुअल में जीन डीएनए के वो सेगमेंट है या वो एक खंड है जो कि किसी एक निश्चित प्रोटीन के निर्माण के लिए कोड का काम करते हैं, मतलब कोड को कैरी करते हैं। अब जैसे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही करीबन जो लाखों प्रोटीन्स हैं उनके उनके लिए करीबन 35,000 जीन्स हैं, 35 से 40,000 आजकल माने जाते हैं। तो इतनी कम परसेंटेज के जीन्स जो है वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, और इसके कुछ सेगमेंट्स जो हैं डीएनए जो है दो डिफरेंट जीन्स को सेगमेंट्स इसके शो करते हैं। करंट डेफिनेशन इसके अगर हम लें तो डीएनए एन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, के वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए के खंड के अंदर जो सूचना निहित है जो किसी एक आरएनए के रूप में कोड को उत्पन्न करती है, और वो आरएनए इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए की जो है, अमीनो एसिड ही इसकी सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं। अब जेनेटिक कोड की अगर अपने डेफिनेशन देखें तो जेनेटिक कोड की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है कि जो एमआरएनए पर किसी किसी भी न्यूक्लियोटाइड के जो सिस्टम है उसमें एमआरएनए की जो सीक्वेंस है जो किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को निर्धारित करती है ट्रांसलेशन के टाइम में, वही जेनेटिक कोड है। या जेनेटिक कोड इज़ द रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंस बेसिस इन डीएनए एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन, या इसको अमीनो एसिड का जो कोड वर्ड है उसी को हम कोडोन कहते हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एमआरएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके क्षारों की या न्यूक्लियोटाइड की संख्या और उसकी एक सीक्वेंस या अनुक्रम जो एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण करता है वो कोडोन कहलाता है। अब ये देखिए कि हमारे शरीर के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर मिलियंस, मतलब लाखों की संख्या के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, और ये सभी प्रोटीन्स सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं किसी भी एक जीन के द्वारा, जो कि एक जीन जो है वो सिर्फ चार न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, ए टी सी और जी, एडनिन थायमिन साइटोसिन और गुआनिन। तो अब इस ये जो चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्हीं के अलग अलग सीक्वेंस से ही अमीनो एसिड की प्रकृति बदलती रहती है।
तो जेनेटिक कोड क्या कहेंगे कि ए सिस्टम दैट इनेबल्स दीज फोर न्यूक्लियोटाइड्स टू कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोटीन्स। और इसलिए अब ये मिनिमम कोड जो है 20 अमीनो एसिड्स को सिंबलाइज करने के लिए या उनको दर्शाने के लिए, इसके लिए सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमीनो एसिड के अंदर चाहिए होते हैं। ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो है हर एक अमीनो एसिड में किसी भी अमीनो एसिड को सिंबलाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है। और जो बेस ट्रिपलेट किसे कहते हैं कि वो सीक्वेंस जो 3 डीएनए न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है जो किसी एक अमीनो एसिड के लिए मौजूद होती है, तो इसलिए कोडोन के लिए क्या होना जरूरी है कि 3 बेस सीक्वेंस एमआरएनए के अंदर होनी चाहिए। मतलब डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा उसके अंदर 3 बेस सीक्वेंसेस होगी। और इसके लिए यह है कि जैसे प्रकृति में लगभग 150 अमीनो अम्ल के आते हैं, लेकिन इसमें से केवल 20 अमीनो एसिड्स ही हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जैसे कि मैंने बताया था एटी और सी और जी, ये एक न्यूक्लिक मतलब बेसिस हैं, ये 4 बेसिस हैं। एक न्यूक्लिक अम्ल के अंदर 4 बेसिस होते हैं और ये 4 बेस 4 अमीनो अम्ल को ही कोडिट कर सकते हैं। अगर हम इसका सिंगलेट लें ए टी सी जी, अगर मान लो एक ही सिंगलेट अगर मान के चलें तो ये सिर्फ 4 अमीनो एसिड को कोडिट कर सकते हैं, तो इसे सिंगलेट कोड कहते हैं। और अगर हम 2 बेसिस का अनुक्रम प्रयोग में लाएं, जैसे 4 × 4 = 16, मैं जैसे अभी आपको आपको इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जेनेटिक कोड है एक सेट ऑफ रूल्स होता है या रूल्स का एक सेट है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन वो कोडेड होती है, जो कि प्रोटीन्स के अंदर जो ट्रांसलेट होती है लिविंग सेल्स के अंदर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए की, ये ट्रिपलेट कोडोन्स के रूप में होती है। देखिए ये डीएनए का ये एक सूत्र है और इस डीएनए के सूत्र के ऊपर ये जो 3 नाइट्रोजन बेसिस जो आपस में एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये एक कोडोन कहलाता है। ये दूसरा कोडोन हो गया जिसमें ए सी जी है, इसी तरह से ये तीसरा कोडोन है। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए के ऊपर ही ये कोडोन्स स्थित होते हैं, और एमआरएनए से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इसके अंदर टीआरएनए का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टीआरएनए के माध्यम से टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन्स होते हैं जो इसके कोडोन के साथ पेयरिंग करके और उसके बाद में प्रोटीन का, जैसे ये मैंने बताया था ये देखिए इस तरह से। तो ये तो सिंगलेट है, इसका सिंगलेट कोड है जिसमें 4 आपको नाइट्रोजन बेसिस दिखाई दे रहे हैं। ये डबल है 4 × 4 जैसे मैंने बताया था 16, जो कि पर्याप्त नहीं है, इसलिए 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ये 64 कॉम्बिनेशंस हैं या कोडोन्स हैं जो कि 20 अमीनो अम्ल को निर्धारित करते हैं। 64 में से भी मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, 61 कोडोन्स ही इसके अंदर काम आते हैं। लेकिन अब ये देखिए, इसका सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लें कि आरएनए जो है, सिंस आरएनए इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 4 टाइप्स ऑफ जेनेटिक अल्फाबेट्स न्यूक्लियोटाइड्स ए जी यू एंड सी, जैसे कि आपको पता है कि डीएनए के अंदर इस यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होता है, यहाँ ये आरएनए है तो यहाँ यूरेसिल हम इसको लेंगे। तो देखिए ये डीएनए का सूत्र है, इस डीएनए के सूत्र के ऊपर ये इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस इस तरह से लगे हुए हैं ए टी जी सी टी ए जी जी सी, और ये जो 3 बेसिस हैं ये 3 बेस इस तरह से कोड कर रहे हैं, और ये 3 बेस इस तरह से कोड कर रहे हैं एक अमीनो एसिड के, और ये 3 इसको कोड कर रहे हैं, और इससे जो ये एमआरएनए बनेंगे इसके ऊपर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होगा, और ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज इन ए ट्रिपलेट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस ट्रिपलेट कोडोन इज ए जेनेटिक कोड। तो ये जेनेटिक कोड कहलाता है जो इसके ऊपर इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब ये देखिए, ये जॉर्ज गैमोव ने जो टर्म दी थी, और जेनेटिक कोड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक डिक्शनरी है दैट कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब जेनेटिक कोड एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की और अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस है। तो ये सेट ऑफ रूल्स मैंने आपको बता दिया इससे पहले, और ये वही है जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो ए जी टी और सी ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर मिलते हैं कोडोन के रूप में, और यही जेनेटिक कोड है।
और 20 अमीनो एसिड, देयर शुड बी 20 कोडोन्स। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो सिर्फ चार कॉम्बिनेशन ही होंगे, दो न्यूक्लियोटाइड है तो 16 कॉम्बिनेशन होंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें 64 कॉम्बिनेशन होंगे जो कि 20 अमीनो अम्ल के सूट करते हैं। 20 अमीनो अम्ल को बनाने के लिए कम से कम 64 आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखिए जो कौन कौन से अमीनो एसिड हैं 20 अमीनो एसिड और उनके कौन कौन से कोड्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन भी आते हैं, जैसे ये ल्यूसिन है, ये ल्यूसिन है, इसके लिए देखो चार इसके कोडोन्स हो सकते हैं, इसलिए 64 मैंने बताया था कि 61 कोडोन जो है 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। और ये जो तीन कोड हैं देखिए ये मैं आपको कर्सर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे UAA है, UAG है और ये UGA, इनको पहले नॉनसेंस कोडोन कहा जाता था लेकिन आजकल ये टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन्स के रूप में इनको कहा जाता है। और ये देखिए ये फिनाइल एलनिन के लिए दो कोडोन है, ये ल्यूसिन के हो गए, ये ल्यूसिन के दो कोडोन और हैं देखिए ऊपर ये, और इसी तरह से ये आपको आइसोल्यूसिन के कोडोन्स हैं, ये वैलिन के लिए हैं, ये सीरीन के लिए हैं, ये प्रोलिन के लिए हैं, और ये 309 के लिए हैं कोडोन्स, ये एलनिन के लिए हैं। तो ये सारे ये 20 अमीनो एसिड्स ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके ये सभी कोडोन्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके फर्स्ट लेटर जो पांचवें एंड पर जो होता है डीएनए के वो ये लेटर है, सेकंड लेटर ये है और थर्ड लेटर ये है, लेटर का मतलब बेसिस है ये। इसमें ये देखिए ये वही है, ये थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करके दिखाया है। इसमें मैं यही दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो बोल्ड लेटर्स के अंदर है, जैसे UAA है, UAG है और UGA, इनको पहले नॉनसेंस कोडोन कहा जाता था जबकि आजकल इन्हें स्टॉप कोडोन्स कहा जाता है, और इनके अलग अलग ओपल कहा जाता है, टर्मिनेटर तो है लेकिन इसका नाम UGA का ओपल है, ओक्रे अम्पर एंड ओपल। अब ये देखिए जेनेटिक कोड किस तरह से काम करता है, कि सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है डीएनए के अंदर, ये डीएनए का 5 एंड है, इसकी जो शुगर है उसके 5th एंड है और ये 3rd एंड है, और इसका जब न्यूक्लिकस इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे एमआरएनए का निर्माण होता है, तो एमआरएनए में देखिए ये जो ए हमेशा टी से जुड़ता है, जैसे कि मैंने एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होती हैं, तो एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ती है, जिसमें ए जो है हमेशा टी से जुड़ेगी, तो यहाँ इसके ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो नाइट्रोजन बेस है वो यूरेसिल है आरएनए के अंदर, इसी तरह से ये सी का जो है वो जी कॉरस्पॉन्डिंग बेस ये बनेगा और ए के सामने यू है, इसी तरह से तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए बना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए जब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा टीआरएनए की सहायता से या अमीनो एसिड का निर्माण करेगा तो इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, और इस तरह से इसके अंदर ये जैसे ये कोड कोडोन जो है ये फिनाइल एलनिन के लिए कोडोन है, ये वैलिन के लिए कोडोन हो गया, और ये हिस्टिडिन के लिए, ल्यूसिन के लिए, तो ये सब कोडोन्स एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोडोन्स हैं। जैसे देखो ये कि न्यूक्लिक एसिड से जो अमीनो एसिड बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू जेनेटिक कोड, तो कोडोन क्या हो गया के ट्रिपलेट ऑफ थ्री बेसिस, ये जो तीन बेसिस हैं इनका जो ट्रिपलेट है जो किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है या अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम कोडोन बोलते हैं। तो इसलिए 64 पॉसिबल कोडोन्स होते हैं क्योंकि 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ये हमें 64 कोडोन्स की जरूरत पड़ती है। और ये भी मैंने बताया कि एक जो है एसिड के लिए और चेन टर्मिनेशन कोडोन, ये इनिशिएशन कोडोन AUG को इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं हमेशा, और टर्मिनेशन कोडोन मैंने आपको वो तीन बताए थे ओक्रे अंबर और ओपन। अब इसमें देखिए डिक्शनरी के क्या फीचर्स हैं, पहली बात तो देर इज वन स्टार्ट कोडोन एंड 3 स्टॉप कोडोन्स, ये मैंने आपको बताया स्टार्ट कोडोन हमेशा AUG होता है और स्टॉप कोडोन्स मैंने आपको जैसे बताया था कि UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडोन्स या टर्मिनेशन कोडोन्स कहलाते हैं।
और इनको हमेशा 5-3 डायरेक्शन में रीड किया जाता है। द कोडोन इज ट्रिपलेट, कोडोन हमेशा ट्रिपलेट होगा, इसमें कॉमा नहीं होगा, अनपंक्चुएटेड होगा, मतलब कॉमालेस होते हैं और ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, डीजनरेट होते हैं। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, इसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ, वोबल कंसेप्ट भी अभी आगे आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी वही है कि जेनेटिक कोड जो mRNA के ऊपर रिटर्न है लिखा हुआ है 5 से 3 की डायरेक्शन में, तो कोड हमेशा ट्रिपलेट होगा। mRNA में हमेशा 3 कोड, ईच 3 कोडोन इन mRNA स्पेसिफिक 1 अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड के लिए 3 कोडोन इसके अंदर होंगे। कोड कोमा फ्री होता है, mRNA में कंटिन्यूस होता है, नॉन ओवरलैपिंग है और कोड इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो या कोई भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हो, उनके अंदर सभी के अंदर किसी भी एक अमीनो एसिड के लिए जो कोडोन होगा वो एक यूनिफॉर्म होगा, वही कोडोन होगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी कोशिकाओं के अंदर कोडोन बदल जाता हो। तो एक अमीनो एसिड का जो कोडोन किसी बैक्टीरिया में है तो वही आपको किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी आपको उसी के अंदर मिलेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये ट्रू नहीं है, मैमल्स का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चेंज भी हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, स्टॉप ये तो मैंने आपको बताया था, अब आपको मैं आगे ये तो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये कैसे जेनेटिक कोड्स जो काम करते हैं। ये स्टार्ट कोडोन्स हैं, ये तो एक जैसे mRNA है, mRNA के सीक्वेंस चल रही है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो इसके अंदर AUG जैसे मैंने आपको बताया था, ये AUG स्टार्ट कोडोन कहलाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को में या उसमें प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर स्टार्ट करने का काम करता है। और इसी तरह से ये यहाँ तो ये स्टार्ट कोडोन के रूप में काम करेगा, लेकिन ये वैसे मीथियोनाइन का जो है कोडोन होता है, इसी तरह से आइसोल्यूसिन का AUC जो है आइसोल्यूसिन का है, और ये UCG जो है ये सीरीन का है, और UA जैसे मैंने बताया था ये स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन कहलाता है, जो किसी भी चेन को या प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का काम करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को रोकने का काम करता है, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। इसमें ये देखिए सीरीन, जैसे सीरीन है, इस सीरीन के tRNA के अंदर एंटीकोडोन कौन सा है, देखिए ये है एंटीकोडोन UCA, ये एंटीकोडोन है। तो ये दो अलग अलग कोडोन्स से अनुवादित हो सकता है, मतलब ये ए को अपन को इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये कौन से AGC को भी कर सकता है और ये AGU से भी अनुवादित हो सकता है। तो इसी तरह इसीलिए ये जो तीसरा जो बेस है इसमें वोबलिंग होती है, या इसको कहते हैं डगमगाट होती है, इसलिए ये इस परिकल्पना को वोबल हाइप। अब ये देखिए जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड का, वो ये है कि जेनेटिक कोड जो है हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब इनमें अतिव्यापन नहीं होता कभी भी। जैसे देखिए कि 3 और 3, 6 और 1, 7 आपको यहाँ ये बेसिस दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी एक न्यूक्लिक एसिड का है। लेकिन अब इसके अंदर ये देखिए कि इसका जो ये टी थायमिन है, ये आपके इस कोडोन में भी यूज में आ रहा है, TGA, और इसमें भी, तो इसको ओवरलैपिंग बोलेंगे, ये ओवरलैपिंग है। तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती कभी भी जेनेटिक कोड में। ये देखिए, ये तो यहाँ एक टी एक में ही ओवरलैप कर रहा है, जबकि यहाँ ये टी इसमें भी ओवरलैप कर रहा है ATG में, और ये इसके अंदर भी ओवरलैप कर रहा है जिसमें TGA के अंदर भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कभी भी नहीं होती, कोड हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। देखिए जैसे इसके अंदर ये नॉन, कहने का मतलब है कि तीन ही इसके अंदर आपको एक कोडोन के अंदर ये जो 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे ये उस एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए होंगे, ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ कभी भी इसमें ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे ये एक अमीनो एसिड के लिए हो गया, ये दूसरे अमीनो एसिड के लिए हो गया। यहाँ ये 3 अमीनो एसिड को दिखाने की कोशिश की गई है कि जिसके अंदर ये कॉमन नाइट्रोजन बेसिस हो गए, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक कोड में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये नॉन ओवरलैपिंग होती है इसमें हमेशा। और ये इसके अलावा एक जो करेक्टरिस्टिक और है वो ये है कि कोड हमेशा कॉमालेस होते हैं। कॉमालेस का क्या मतलब होता है कि
दो जो पास में जो कोडोन है उनके बीच में किसी भी तरह के विराम चिन्ह, ये जैसे इसके अंदर ये विराम चिन्ह दिखाई दे रहा है या कोमा है, इसकी जरूरत नहीं होती। मतलब कि एक अमीनो अम्ल को कोडित कर देने के बाद में, ये एक अमीनो अम्ल को कोडित कर देने के बाद में अगले तीन बेसिस वाला कोडोन स्वतः ही दूसरे अमीनो अम्ल को कोड कर देगा, ये दूसरे अमीनो अम्ल को कोड कर देगा, ये बीच में गैप नहीं आता या कोमा नहीं होता या इसके बीच में कोई सेपरेशन का कोई अलग से कोई चेन नहीं होता या कोई चेन ब्रेक नहीं होती इसके अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि कोड हमेशा, एक तो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, दूसरा इनमें कोमा नहीं होता, कोड हमेशा कोमा लेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे देखिए स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है, अनएम्बिगुअस होता है, नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी जो कोड है केवल एक अमीनो अम्ल को ही कोडित करता हो उसे नॉन एम्बिगुअस कोड कहते हैं। इसके विपरीत अगर एक ही कोडोन, इस जैसे यूयू का कोड है, ये फिनाइल एलनिन को कोड कर रहा है, इट कैन नॉट बी कोड फॉर एनी अदर अमीनो एसिड, ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर एक ही कोडोन कई अमीनो अम्ल को कोडित करता हो तो उसे एम्बिगुअस कोड कहते हैं। जैसे जीयूजी है, जीयूजी जनरली वेलिन को कोड करता है, जीयूजी। लेकिन जब भी ये इनिशिएशन कोडोन के रूप में काम करता है तो वो फॉर्मल मिथियोनाइन के लिए कोड करता है। इसलिए कहते हैं कि कोड हमेशा नॉन एम्बिगुअस होते हैं या असंदिग्ध होते हैं, असंदिग्ध कहा जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था डीजेनरेट का, कि 64 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 20 अमीनो एसिड्स के लिए। मतलब एक से ज़्यादा ट्रिपलेट जो है एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। और यूनिवर्सल ये भी मैंने बता दिया था कि हर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल के अंदर, जैसे बैक्टीरिया है या मान लो आपके कोई यूकेरियोटिक सेल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके किसी का भी कोई भी अगर अमीनो एसिड होगा तो उसके लिए वो सेम कोडोन यूज होगा जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरिया में अलग प्रकार का और किसी दूसरी सेल के अंदर अलग प्रकार का कोडोन हो। इनिशिएटर कोडोन, देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये कोड जो है इसको ये स्टार्टर कोडोन कहलाता है। स्टार्टर कोडोन का मतलब ये है कि चाहे ये एयूजी इज द इनिशिएटर कोडोन इन मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स, ज़्यादातर प्रोटीन्स की जो शुरुआत है वो एयूजी के कोडोन के द्वारा होती है, और कुछ केसेस के अंदर ये जीओजी भी हो सकता है। जैसे मिथियोनाइन इज द ओनली अमीनो एसिड स्पेसिफाइड बाय जस्ट वन कोडोन एयूजी, तो एयूजी मिथियोनाइन के लिए भी है, और जबकि इसको इनिशिएटर कोडोन भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स सभी के अंदर किसी भी प्रोटीन श्रृंखला में पहला अमीनो एसिड मिथियोनाइन होता है हमेशा, जो कि एमआरएनए पर उपस्थित एयूजी के द्वारा कोड किया जाता है, इसीलिए इसको इनिशिएटर कोडोन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये जीओजी भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको। और जीओजी वैसे तो वेलिन को कोड करता है, जीओजी वैसे अगर हम उसको सारणी में अगर देखें, उसको टेबल में देखें, तो वेलिन को कोड करता है। लेकिन जब ये इनिशिएशन कोडोन के रूप में कार्य करता है तब वो मिथियोनाइन के लिए कोड करेगा हमेशा, स्टार्टिंग के लिए। इसलिए कोडोन भी संदिग्ध माना जाता है क्योंकि ये एक से अधिक अमीनो अम्ल को कोड करा है, ये एम्बिगुअस होगा ये। और किसी भी एमआरएनए श्रृंखला में एयूजी जब भी इनिशिएशन कोडोन के रूप में होता है तो ये प्रोकैरियोट्स में फॉर्मलीकृत मिथियोनाइन को कोड करेगा, मतलब फॉर्मलीफाइड जो होते हैं उसको करेगा, जिसका वहन टीआरएनए द्वारा किया जाता है। और ये इसको हमेशा आप ध्यान रखना कि एयूजी इज ए इनिशिएटर कोडोन ऑलवेज। नेक्स्ट में देखिए, ये तो इसी के बारे में है, वही जो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए थे सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जेनेटिक कोड के। एक्सेप्शंस किस सेंस में है कि भाई जीनोम जैसे बैक्टीरियल डीएनए है या माइक्रोप्लाज्मा के कैपिकलम जो है इसके अंदर कोडोन यूजी है, तो वैसे यूनिवर्सल कोडोन तो ये स्टॉप कोडोन कहलाता है यूजीए, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन ये ट्रिप्टोफेन के लिए भी कोड कर सकता है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उसके अंदर ये वैसे तो स्टॉप कोडन सही है यूजीए एजीए, लेकिन अल्टर्ड कोडन क्या है ट्रिप्टोफैन मिथियोनाइन और स्टॉप सही है, ये तो ये कुछ इसके अपवाद हैं जेनेटिक कोड के। तो ये आपको मैंने जेनेटिक कोड उसके बारे में बताया। तो इसमें आपको खास तौर पर ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था कि कोड यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब है कि इसमें हमेशा सभी जीवों के अमीनो अम्ल को एक ही कोडन जो है कोड करेगा। जैसे नीरनबर्ग ने भी ये 1967 के अंदर 1967 में प्रदर्शित किया था कि ई कोलाई है या जीनोपिस लेविस है, गिनीपिग है, इनके टीआरएनए जो है सामान्य ट्राइन्यूक्लियोटाइड का बंधन करते हैं, तो ये इसकी यूनिवर्सलिटी को करेगा कि इनके अंदर सबके अंदर जो है अमीनो एसिड के लिए जो कोड है वो सेम होगा इसके अंदर। और कोड एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी और है कि कोड जो है हमेशा ये कोलिनियर होता है, कोलिनियर का ये इसके बारे में बताया था येनोफ्स्की और उसके जो सहयोगी थे 1964 में, उन्होंने ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम की संरचना के अध्ययन के आधार पर ये बताया था कि जो जीन है जीन में न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर है एक लीनियर क्रम के अंदर लगे रहते हैं जिससे बनने वाले एमआरएनए पर नाइट्रोजन बेसिस या कोडोंस भी लीनियर क्रम के अंदर ही लगे रहेंगे। तो इनसे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है उसमें अमीनो एसिड अवशेष भी रेखित विन्यास में लगे रहते हैं। इसका अर्थ है कि कोड हमेशा को लीनियर होता है या एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तो ये जेनेटिक कोड के बारे में मैंने आपको खास खास चीज़ें बताई, और इससे संबंधित अगर आपकी कोई किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मेरे को इसमें वापस आप जवाब दे सकते हैं या फीडबैक देंगे तो मैं उसके जवाब देने की आपको प्रयास करूँगा। धन्यवाद।